हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। और ये सब प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए हम डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हो पहली बार तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पे दबा के रखिए ताकि आपको ये सब चीजें अपडेट बेसिस पे मिलती रहे। दूसरी चीज, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इससे ये बेनिफिट होगा कि लाइव मार्केट की जो अपडेट होती है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। लेट से इस वीडियो में हमने कोई प्लान करी और उसमें कुछ चेंज है तो वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, या फिर मुझे कोई भी नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसको भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ ताकि उसका फायदा आप उठा सके। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ और फिर हम देख लेते हैं कि आगे चल के किस तरीके से काम करना है। यानी कल मंगलवार के दिन हमारा जो निफ्टी में प्लानिंग था वो हमारा ये बाइंग का लेवल था और एग्जैक्ट उसी लेवल पे आने के बाद आपकी निफ्टी लगभग 150 पॉइंट से भी ज्यादा का अपमूव आया। एंड देन हमने ये प्लान किया था कि इसके नीचे अगर जाएगी तो हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, नीचे तो गई बट यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल नहीं मिला, तो आप यहाँ से भी अगर चाहते तो एक सेल कर सकते थे, बेरिश कैंडल बन गए, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अगेन सेम एरिया से डिस्प्ले नीचे डाउन मिला, अगेन सेम एरिया से अप मिला। तो हमारा ये जो बाइंग का लेवल था और ये जो सेलिंग का लेवल था, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। अब इसमें से जो भी यहाँ पे आया होगा उसने भी काम किया होगा, जो भी यहाँ पे आया होगा उसने भी काम किया होगा। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे इसका एंजॉय किया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने कैसे ट्रेड किया हुआ था। तो हमारे लेवल्स ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करे और हमारी प्लानिंग काफी अच्छी गई। अब हम देख लेते हैं आगे किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले डेटा की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का जो डेटा है उसमें कॉल ओआई अभी भी ज्यादा है। हमने देखा था कल इसमें थोड़ा सा डेटा बेरिश था, आज भी मतलब बेसिकली बेरिश है। ओआई चेंज अगर हम देखें तो ओआई चेंज में भी आपका डेटा बेरिश है, तो यहाँ पे प्रॉपर बेरिशनेस दिखाई दे रही है डेटा में। अब हम अगर सपोर्ट की तलाश करें तो हमारे पास जो सपोर्ट है डेटा का वो बेसिकली 24,600 का सपोर्ट है, तो अभी भी हम 781 पे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से 180 पॉइंट सपोर्ट नीचे है। तो कल अगर 700 के पास निफ्टी जाती है तो आपको ये ध्यान देना है, सॉरी 24,600 के पास, ओके 24,600 के पास अगर निफ्टी जाती है तो आपको एक बार वहां पे जरूर बाइंग का प्लान करना चाहिए, बिकॉज वो एक सपोर्ट है। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो हमें ऑप्शन चेंज यहाँ से पता चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चार्ट पे हमारे पास क्या लेवल निकल करके आ रहा है। तो अगर मैं चार्ट यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँ, सो प्राइस एक्शन एक बार समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। तो मार्केट तो आपका यहाँ पे एक ओवरऑल सपोर्ट, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बड़े लेवल पे समझाना है। तो 15 मिनट के बेसिस पे देखें अगर हम यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट लेने की ट्राई किया था और मैंने आपसे कहा था कि बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बेरिश है तो आपको सेल और राइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप बना करके देन उसका ब्रेकडाउन हुआ है और उसके ब्रेकडाउन के बाद उसका रिटेस्ट भी हुआ है। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो ब्रेकडाउन है वो बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एक्टिव रहेगा और ये कहीं ना कहीं बेसिकली इसको और ज्यादा बेरिश रखेगा। तो अभी फिलहाल हमें फर्दर इसके ऊपर जब तक निकल करके ट्रेड ना करना शुरू करें, यानी कि 25,000 के ऊपर जब तक निकल करके ट्रेड ना करना शुरू करें तब तक हम थोड़ा सा बेरिश ही रहेंगे, सेल ऑन राइज का ही हमारा प्लान रहेगा। लेकिन अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल गई तो एक बार हम फिर से बेरिशनेस की तरफ, सॉरी बुलिशनेस की तरफ हम जो है कि जरूर रुख करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 24,600 के 700 के आसपास हमारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करो, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बुलिशनेस का नहीं सोच सकते। इसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक बार फिर से बुलिश हो जाना पड़ेगा और इसके नीचे जब तक रहता है तब तक हम सेल और राइज का प्लान करेंगे, ये अंडरस्टैंड करके चलिए। अब हम किस तरीके से काम करेंगे, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल उसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो ये रहा, हमारा अगला जो बाइंग का लेवल है वो यही वाला है। स्टॉप लॉस जो आपका होगा ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था और उस गैप डाउन के बावजूद भी इस एरिया पे कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद आपका ब्रेकआउट हुआ, देन उसके बाद नीचे फिर इस बाद अप मूव, हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए आपका मार्केट ऊपर गया था, इस एरिया में अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। सो ये एरिया फिर से एक बार सपोर्ट का काम जरूर करेगा, हमें ऐसी उम्मीद है, इसलिए हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सिंपली जो लेवल है नोट कर लीजिएगा, 24,594 है तो 595 पकड़ लीजिए और 24,570 तक हम बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आएगा तो बाई कर सकते हो, यहाँ पे बुलिश या बेरिश कैंडल की वेट नहीं करना है, यहाँ पे आएगा आपको बाई कर लेना है। 550 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा,
टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा 24,680 का एंड 700 का आपका टारगेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पहली हमारी प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग जो हमारी है वो सेल ऑन राइस की है। तो हमारी सेल ऑन राइस की जो प्लानिंग है वो डेफिनेटली यहां से रहेगी। ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट जीरो सिक्स है तो 805 पकड़ लो, 805 से लेकर के 24,830 है तो 831 है तो 30 ही रखो। इस लेवल पे आने पे आप शॉर्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस जो होगा 868 है तो 870 पकड़ लो, 870 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो सिंपली फ्लाइट ओपन होकर के ऊपर जाते हैं, शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 700 का। ओके, तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड कर चल सकते हैं निफ्टी में कल के लिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है यहाँ पे कॉल वाइज ज्यादा है बेरिशनेस, यहाँ पे भी कॉल वाइज ज्यादा है बेरिशनेस, तो दोनों साइड आपका डेटा बेरिश हो रखा है। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था, बेसिकली हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरी नहीं है, वो थोड़ा सा अभी भी सस्टेन करने का कोशिश कर रही है, बट आज के जो डेटा में दिख रहा है वो थोड़ा सा मामला बदल चुका है। तो अब हम प्लान वही करेंगे, जो हमारी बाइंग की प्लानिंग थी वो तो रहेगी वही लेवल, बिकॉज वो तो चेंज नहीं होगा, और अब हम इस रेट के साथ ट्रेड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो बाइंग का लेवल है 51,560 से लेकर के 51,468 है तो 470 पकड़ लो, 470। तो इस लेवल पे हम आने पे बाइंग करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 416 है तो 410 पकड़ लो या फिर 420 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 410 पकड़ लो, 420 नहीं होना चाहिए, 410 होना चाहिए। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा 51,800 का एंड 51,800 के बाद 900 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। पहली प्लानिंग हमारी बैंक निफ्टी में ये रहेगी। इसका रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि इस एरिया में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया था, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए आप इसमें इंपल्सिव अप मूव देखने को मिलेगी, सेम यहाँ पे एक इंपल्सिव डाउन मूव देखने को मिला और इस एरिया में अगेन कंसोलिडेशन हुआ एंड कंसोलिडेशन के बाद अगेन इस एरिया में एक अप मूव देन सपोर्ट एंड देन अप मूव। तो ये कहीं ना कहीं इस एक बार इंपल्सिव मूव को जब ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस एरिया में बड़े लोगों का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और अगर इस एरिया में बड़े लोगों का इंटरेस्ट तो ये लेवल जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हमें फिर अलग तरीके सोचना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। तो इसमें सिंपली अंडरस्टैंडिंग ये हमारी रहनी चाहिए कि इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे, बाइंग साइड का प्लेट करेंगे, ट्रेड करेंगे और फिर आगे जो भी हमारा टारगेट स्टॉप लॉस होगा उसके बेस पे काम करना है। सेल ऑन राइस कर सकते हैं। सेल ऑन राइस कैसे करेंगे? सो सेल ऑन राइस का हमारा जो प्लान है वो ये रहा। वन सेकेंड, पहला प्लान है आप ये नोट कर लो, पहले तो इसको नोट कर लो इसके आगे सोचेंगे। तो हमारा पहला प्लान है अगर फ्लाइट ओपन होकर के यहीं पे जाती है तो 52,008 है तो 52,001 पकड़ लो, 52,010 यहाँ पे अगर आएगी तो यहाँ से लेकर के 87 है तो 80 तक पकड़ लो, ऊपर नहीं जाना, नीचे वाले रेंज में रहना है। तो 80 तक यानी इस 70 पॉइंट के रेंज में हम शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 52,125 का या 130 पकड़ लो, टारगेट हमारा हो जाएगा 800 का और 800 का हो जाएगा, उसके बाद 700 का पकड़ लो, ये वाला टारगेट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये वाला नोट कर सकते हो आप। आई थिंक मुझे लगता है कि 750 का रेंज होगा यहाँ पे या 700 का भी रेंज होगा तो भी चलेगा। सो 800 और 700 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसको फिर से नोट कर लीजिए। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे, हमारा टारगेट ये हो जाएगा पहला वाला और दूसरा वाला टारगेट ये वाला। ओके, सो हमारी यही प्लानिंग है, यहां से सेल ऑन राइज करना है और यहां से बाय द डिप करना है। अब इसके अगर हम चार्ट को देखें थोड़ा सा बड़ा करके, तो यहां पे आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी वो एक हायर हाई चैनल पैटर्न में जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस एरिया से अगेन मुझे रिवर्सल की उम्मीद है, दिस वाई ये हमारा बाइंग का लेवल भी बन जाएगा। तो ये प्राइस सेक्शन के साथ हम काम करेंगे और जब तक फर्दर इसके नीचे नहीं जाता है तब तक मैंने कहा कि फर्दर बेरिश नहीं होना है, ये भी नोट कर लीजिए, और अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर हम फर्दर बेरिश ट्रेड करेंगे, बट सेल ऑन राइज का प्लान होगा, तुरंत नहीं करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल की हमारी प्लानिंग है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, और आपको एक अपडेट दे दूं, मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी, तो आप अगर मुझसे ये सब चीज सीखना चाहते हैं तो 20 नवंबर वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो देख लीजिए। इसमें डेट का जो सिस्टम है उसको इग्नोर करिए, बाकी की जो डिटेल्स उस पर काम करिए, और 20 नवंबर से नई बैच ज्वाइन होगी, चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल
इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।